बॉलीवुड में खलनायक ना हो तो हीरो का क्या काम? हीरो तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो खलनायक बन के खुश है। हालांकि उनको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी मिलती है, उनको हमेशा खलनायक की तरह ही देखा जाता है। वही अभिनेता तो खलनायक होते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी अभिनेत्री है जो खुद ही खलनायिका बनना चाहती है? जी हाँ, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज में, और एक बार फिर से मैं आपके साथ साधिका कौर। हम अक्सर 70 से 60 के दशक की फिल्में देखें तो हमें एक खलनायिका जरूर देखने को मिलती थी, चाहे फिर वो माँ के रोल में मिले या फिर बहन के रोल में या फिर अपनी बोल्ड अदाओं में। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है अभिनेत्री बिंदु की। हमेशा वैम्प का किरदार निभाने वाली बिंदु आखिर आजकल है कहाँ, और उन्होंने अपने जीवन में कितना स्ट्रगल किया सिर्फ और सिर्फ इस वैम्प के रोल के लिए। और अगर देखा जाए 60 से 70 के दशक की कोई भी मूवी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहां पर बिंदु ना हो। तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट, जानिए आखिर बिंदु देसाई कहाँ है और उन्होंने 11 साल की उम्र में कैसे अपने करियर की शुरुआत की। गुजरे जमाने में हमने कई क्लासिक एक्ट्रेस को देखा जो अपनी एक्टिंग और जौहर से सभी का दिल जीत लेते थे। अलग अलग फिल्मों में कई सारे लीड एक्ट्रेस होते थे, लेकिन उन फिल्मों में अक्सर वैम या फिर बोल किरदार में बिंदु दिखती थी। बिंदु वो नाम बन चुकी थी जो किसी भी फिल्म में ग्लैमर लेकर आती थी, और 70 के दशक में बोल्ड और ब्यूटीफुल का टैग उन्हें मिला था। बता दें, बिंदु ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी और उन्हें लोग इतना पसंद करते थे कि उनके पर्दे पर आते ही तालियां बजने लगती थी। बिंदु का स्टाइल बाकी अभिनेत्रियों से बहुत ज्यादा अलग था। बिंदु ने कभी नहीं सोचा कि उनको हीरोइन बनना है, वो हमेशा बोल्ड और वैम्प के किरदार में नजर आई। लेकिन बिंदु की खूबसूरती ने सबको दीवाना बना के रखा था। बता दें, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल बिंदु का वो दौर था जब ये माना जाता था कि अच्छे घरों की लड़कियां एक्टिंग नहीं करती हैं। तब उस दौर में बिंदु ने सारी कठिनाइयों को पार करके अपना नाम कमाया। बिंदु ने अपने काम को ही अपनी जिंदगी बना लिया और उन्होंने ऐसे रोल्स चुने जिनके कारण उन्हें लोगों के ताने भी झेलने पड़े, लेकिन इसकी परवाह ना करते हुए बिंदु ने खुद को आगे बढ़ाया। चलिए बताते हैं बिंदु को क्यों एक्ट्रेस नहीं वैम्प के किरदार मिलने लगे थे। बता दें, बिंदु का पूरा नाम बिंदु नानू भाई देसाई, जो फिल्म प्रोड्यूसर नानू भाई देसाई की बेटी है। वो थिएटर में हमेशा से ही दिलचस्पी लेती थी और हमेशा से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी। बिंदु एक्ट्रेस वैजयंती माला की बहुत बड़ी फैन थी। 1962 में फिल्म अनपढ़ से अपना करियर शुरू करने के बाद बिंदु ने पीछे पलट कर नहीं देखा। इसके बाद ही उन्हें इत्तेफाक और दो रास्ते दोनों फिल्में मिली, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट भी हुई और उन्हें फिल्म फेयर नॉमिनेशन और अवार्ड भी मिले। वैसे तो बिंदु हमेशा से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन डायरेक्टर्स को लगता था कि वो बहुत पतली है, और फिल्म दो रास्ते से ही बिंदु ने नेगेटिव रोल करने शुरू कर दिए। बता दें, वैसे तो बिंदु के पिता खुद एक प्रोड्यूसर थे और वो जाना माना नाम हुआ करते थे, लेकिन बिंदु के पिता को उनका एक्टिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो चाहते थे कि बिंदु डायरेक्टर बने। बिंदु ने अपने स्कूल में कई नाटकों में हिस्सा लिया और उनके दोस्तों ने उन्हें एक्टिंग करने की सलाह दी, पर ये सब कुछ बिंदु के घर वालों को कतई पसंद नहीं था। वहीं बिंदु के पिता को जल्द ही बीमारियों ने घेर लिया और बिंदु के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई। 8 बच्चों में सबसे बड़ी बिंदु ने अपने परिवार का बीड़ा उठाया और पिता की मौत के बाद काम करना शुरू किया। एक इंटरव्यू में बिंदु ने बताया था कि उनके पिता ने काफी कर्ज छोड़ा था, जिसे चुकाने के लिए बिंदु ने काम किया और 11 साल की उम्र में ही मॉडलिंग शुरू कर दी और जल्दी ही फिल्मों में एंट्री ले ली। बता दें, 11 साल की बिंदु को मॉडलिंग मिली थी और इसलिए क्योंकि उनकी कद काठी 16 साल की लड़की की तरह थी। वहीं फिल्म अनपढ़ में उन्होंने माला सिन्हा की बेटी का किरदार निभाया था और एक्टिंग के साथ साथ वो अपनी स्कूलिंग भी करती थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात उनके होने वाले पति से हुई। बिंदु की शादी बिजनेसमैन चंपक लाल झवेरी से हुई। एक इंटरव्यू के दौरान बिंदु ने बताया था
कि चंपक लाल उनके पड़ोसी हुआ करते थे और बिंदु और उनकी उम्र में 5 साल का अंतर था। बिंदु हमेशा मिलने का वादा करके नहीं जाती थी और चंपक लाल ने कभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा। बता दें 1969 में इत्तेफाक में रेणु का किरदार निभाने के बाद फिल्म दो रास्ते में वो नीला का किरदार निभा चुकी थी। दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट थी और उन्हें फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिले। वहीं 1972 में बिंदु ने दास्ता में माला का किरदार निभाया और फिर से उन्हें फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला। 1973 में बिंदु को अभिमान फिल्म में काम करने का मौका मिला, उनकी परफेक्टनेस की तारीफ हुई और उन्हें चौथा फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला। अब तक बिंदु स्टार बन चुकी थी। 1973 में आई फिल्म जंजीर, जिसमें विलेन के साथ काम करने वाली लड़की के किरदार में उनका नाम मोना रखा गया था और उस फिल्म में उन्हें मोना डार्लिंग बुलाया गया था। यही कारण है कि अपने स्टारडम के चरम पर बिंदु ने मोना डार्लिंग बनकर सबको चौंका दिया था। इसके बाद 1974 में हवस और 1976 में अर्जुन पंडित में एक्टिंग करने के बाद बिंदु ने अपना स्टारडम स्थापित कर लिया था। बता दें फिल्म कटी पतंग में बिंदु का डांस नंबर मेरा नाम शबनम तो शायद आपने देखा होगा। उन्हें उनके शब्बों वाली रोल के लिए जाना जाता था। शादी के बाद ही उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया और उन्हें कभी हीरोइन का रोल नहीं मिला, लेकिन कभी उन्हें किसी हीरोइन से कम भी नहीं समझा गया। 1977 और 1980 के दौर में बिंदु को मिस गैरेज और हेल्थ की जुड़ी समस्याओं से जुड़ना पड़ा। उनके डॉक्टर्स ने उन्हें डांसिंग करने से मना कर दिया और पर्दे की ये ग्लैमरस वैंप वहीं रुक गई और फिर से वो ग्लैमर वर्ल्ड में वापसी नहीं कर पाई। बता दें बिंदु ने 1980 के दशक में रूभले पर्दे पर वापसी की और मैच्योर रोल निभाए। उन्होंने फिल्म जैसे हीरो, अलग अलग, बीवी हो तो ऐसी, किशन कन्हैया में खुद को स्थापित किया और खड़ूस, माँ, सास और आंटी का किरदार निभाया और वो भी उन्होंने बहुत बखूबी निभाया। लेकिन आपको बता दें कि आज बिंदु पर्दे से दूर है और वहीं पर अपने मिस गैरेज के बाद बिंदु को वो नाम नहीं मिल सका, लेकिन उन्होंने अपनी माँ के तौर पर बहुत अलग पहचान बनाई और आज कहा जाता है कि बिंदु को फाइनेंशियल काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, इसलिए बिंदु लाइमलाइट से थोड़ा दूर रहना ही पसंद करती है और आज बिंदु को पहचान पाना बिल्कुल मुश्किल है। जी हाँ, आज बिंदु को पहचानना भले ही मुश्किल हो, लेकिन आपको बता दे कि बिंदु जब अपने स्ट्रगलिंग दिनों की बात करती है तो वो ये बात बिल्कुल नहीं भूलती कि मैंने 11 साल की उम्र में ही बॉलीवुड में कदम रखा था और जहाँ मैं 11 साल की थी लेकिन मैं दिखती पूरे 16 साल की थी, इसलिए मैं हमेशा बोल्ड कपड़े पहनती हुई नजर आती थी। वही बिंदु का कहना है कि मैं हमेशा आइटम सॉन्ग्स और इसी के साथ बोल्ड अदाओं को ही दिखाती थी, लेकिन एक दौर बिंदु की जिंदगी में ऐसा आया जब बिंदु का मिस गैरेज हुआ। उसके बाद बिंदु के शरीर की हालत और वही बिंदु को खुद भी डांस करने के लिए डॉक्टर्स ने मना कर दिया। इस वजह से बिंदु ने बहुत समय बाद कमबैक किया और कमबैक किया तो एकदम अलग अंदाज में उन्होंने किया माँ का रोल, वो भी नेगेटिव, जो सभी को बहुत ज्यादा पसंद आया। और इसी के साथ अगर आपको भी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।